बिग बॉस में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आज के एपिसोड का पूरा रिव्यू, कौन सही कौन गलत, क्या क्या हुआ एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है मुन्ना वर फारूकी से, जो कि घर में सबसे समझदार इंसान इस वक्त तो मुझे लग रहे हैं, शायद आपकी राय कुछ अलग हो सकती है। मुनावर यहाँ पे दोस्तों शो की शुरुआत में ही बात करते हैं सभी कंटेस्टेंट के बारे में कैमरा में देखकर, जहाँ वो अनुराग डोभाल के बारे में बोलते हैं कि ये बंदा मुझसे डर रहा है लेकिन बात तो मुझसे करनी ही पड़ेगी, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर कैमरा जाता है सीधा खान जादी की तरफ। खान जादी ऐसा कैरेक्टर है जो शायद अपना दोस्त नहीं ढूंढ पा रही है, कभी सोनिया के साथ वो दोस्ती करने की कोशिश कर रही है, खुद को लोनली बता रही है, तो अगले ही पल दोस्तों वो तहलका भाई से भी दोस्ती करना चाहती है जिसकी वो बुराई कर रही है अभिषेक के साथ, तो अगले ही पल वो उनके साथ भी नज़र आ रही है और दोस्ती करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में खान जादी दोस्तों यहाँ पर सबसे कन्फ्यूज़ यहाँ पर कंटेस्टेंट अभी तक लग रही है, कहना सही होगा, क्योंकि दोस्तों बार बार वो अपने दोस्त बदल रही है। वहीं तहलका भाई घर में फ़िलहाल उनका काम है वो कॉमेडी का है, इधर से उधर वो कॉमेडी करते नज़र आ रहे हैं। आज तो वो संडे हो या मंडे बेस्ट है अंकिता लोखंडे, ऐसे नारे लगा कर ही कर रहे थे। वहीं बात करें अरुण भाई की अचानक भयानक की, तो दोस्तों उनका टारगेट फिक्स है, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है अभिषेक। वहीं वो भी थोड़ी बहुत मजाक करते हैं आज नावीद सोल के साथ में। वहीं दोस्तों ईशा और अभिषेक का जो मुद्दा है वो बिग बॉस उठा कर दिखाना चाहते हैं, इसीलिए आज अभिषेक की मुनावर से बातें दिखाई गई, जहां वो ईशा के प्रति अपना जो फॉन्डनेस है अपना जो प्यार है वो बयान करते हुए नज़र आ रहे हैं और इमोशनल से स्टोरी बता रहे हैं जो स्टेज पे सलमान खान को बताई थी। इससे दोस्तों मुनावर भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते लगता है खुद से बात कर रहा हूं। वहीं अब बात करते हैं अनुराग डोभाल UK07 राइडर भाई, इनकी पर्सनैलिटी घर में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों दबी दबी पीठ पीछे बोलने वाली और शो ऑफ करने वाली नज़र आ रही है। ज्ञान दे रहे हैं घर के अंदर, वो पहले मनारा को ज्ञान देते हैं तो कभी किसी और को ज्ञान देते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सी यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ तक कि बिग बॉस ने भी दोस्तों उनको कह दिया कि बाबू भाई का ज्ञान ख़त्म हो गया हो तो सभी घर वाले मोहल्ले की चौक में आ जाए। सभी घर वाले मोहल्ले की चौक में आते हैं तो वहीं पे दोस्तों बिग बॉस उन्हें बताते हैं कि घर में दो कपल हैं, अंकिता और विकी, और दूसरा है यहाँ पर नील भट्ट और ऐश्वर्या का। अब दोनों में से कौन ज़्यादा अकेला पड़ चुका है, कौन बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, तो घर वाले यहाँ पर अंकिता का नाम लेते हैं विक्की के साथ, लेकिन बिग बॉस बता देते हैं वो कोई और नहीं बल्कि नील और ऐश्वर्या ही हैं, और नील और ऐश्वर्या को वो स्पेशली थेरेपी रूम में बुला लेते हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हैं क्या सही है या क्या गलत। दोस्तों पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जो दो कपल हैं अंकिता और विक्की, उसमें से अंकिता स्ट्रांग है और तो वहीं ऐश्वर्या और नील में से नील की पर्सनैलिटी वाकई में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बाकी घर वाले भी बाहर यही डिस्कस करते हैं कि नील ऐश्वर्या से काफ़ी दबा दबा बात करता है, हर बात में बाबू बच्चा सोना करता है, जो इस एज में अच्छी नहीं लगती। वहीं अंदर थेरेपी रूम में ऐश्वर्या का नेचर वाकई में ऐसा ही लगता है, वो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है, अजीब सा बिहेवियर वो करती ही करती है। तो थेरेपी रूम से बाहर आने के बाद में नील वाकई में थोड़े बदले बदले दिखाई देते हैं, उन्होंने बिग बॉस को कहा ही था कि उन्हें अंकिता और विक्की सही नहीं लगते हैं, तो विक्की मजाक मजाक में दोस्तों यहाँ पर ऐश्वर्या से कुछ बात करते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती हो, तो नील उन पर भड़क जाते हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ऐश्वर्या की भी फ़ाइट होती है यहाँ पर UK07 राइडर से, ये फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है दोस्तों। यहाँ पर मुझे तो वैसे पर्सनली गलत यहाँ पर UK07 राइडर लगते हैं, जो घर का कोई खुद कुछ काम करते नहीं और लोगों को हमेशा टोकते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्या की रियल पर्सनैलिटी हमें देखने को मिली, जिस तरीके से उन्होंने कवर किया खुद को और UK07 राइडर को गलत भी बताया, और UK07 राइडर दोस्तों वहाँ पर गलत साबित भी हुए क्योंकि वाकई में कुछ नहीं कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों बता दें लड़ाइयों की शुरुआत आज फिर से अभिषेक ने की, कल जिस प्रकार के एपिसोड में अभिषेक के में अगली लड़ाई देखने को मिली भाई, वो लड़कियों पर भी ऐसे ही चढ़कर बात करते हैं, अंकिता लोखंडे पर आज वो चढ़कर यहाँ पे गुस्सा करने लग गए, लेकिन अंकिता ने काफ़ी शानदार तरीके से लड़ाई को हैंडल किया और उन्हें दोस्तों वहाँ से चलता किया। लड़ाई हुई थी खाने की वेस्टेज को लेकर जो कि अभिषेक कर रहे थे और अंकिता को ये पसंद नहीं आ रहा था, और फिर इसके बाद में सोनिया और जिग्ना भी ड्यूटीज़ को लेकर आपस में लड़ाई हो गई।
18 लोग हैं, ड्यूटीज़ किस में क्या बटी है, लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। तो ऐसे में दोस्तों ये जो अनुराग है जो घर में खुद अभी तक सबसे कम काम करते हैं, वो कैमरे में देखकर कहते हैं बिग बॉस लड़कियों के नाखून ज़्यादा है तो क्या वो काम नहीं करेंगी, हम भी तो करते हैं ना। वहीं दोस्तों लड़ाई से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा खानजादी को, क्योंकि जिगना की लड़ाई जब हुई थी सोनिया से तो खानजादी भी टारगेट हो गई थी, और बाद में आकर सोनिया और खानजादी की भी लड़ाई हो जाती किचन में ही, तो ये दोनों सॉर्ट कर लेती हैं क्योंकि दोनों घर के अंदर काफ़ी अच्छी दोस्त बनकर सामने आई है। तो वहीं दोस्तों जिगना इनको देख कर काफ़ी हैरान हो जाती है, फिर इसी मुद्दे पर लड़ाई हो जाती है ऐश्वर्या और बाबू भैया की, जो हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। बाबू भैया खुद तो कुछ काम कर नहीं रहे और पोकिंग हर किसी को वो कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों मुनावर फारूकी भी यूकी जनरेशन लीडर को बता देते हैं कि भाई तूने सच में कुछ काम नहीं किया है यार, एक्सक्यूज़ बनाने कम कर, वाकई में तेरे तरफ से कोई भी काम देखने को मिलता ही नहीं है। वहीं दोस्तों आपको बता दें फालतू की फुटेज खाने का यहाँ जो शौक हो रहा है वो है ईशा को। ईशा मुझे इस सीज़न की सबसे इरीटेटिंग कंटेस्टेंट अभी तक लग रही है, और ऐसी इरीटेटिंग कंटेस्टेंट हर सीज़न में आती है जो आखिरी तक भी जाती है, वही ईशा है। उन्होंने आज अच्छी खासी पोकिंग की यहाँ पर खानजादी को, और खानजादी क्योंकि असम साइड से आती है, उन्हें अपनी जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं है, तो वो भी काफ़ी कुछ गलत कह देती है, अगलीस्ट वूमन कह देती है। तो अभिषेक यहाँ पर चढ़ जाते हैं खानजादी पर, ये बात तहलका भाई को पसंद नहीं आती। तहलका भाई विक्की को बोलते हैं कि यार लड़कियों की लड़ाई में जिस तरीके से कूद रहा है मुझे नहीं पसंद। विक्की ये मैसेज अभिषेक को पास कर देते हैं और कहते हैं कि लड़कियों की लड़ाई में मत घुसा करो। तो आज का एपिसोड में बहुत हमें लड़ाइयाँ देखने को मिली, जैसे एपिसोड की शुरुआत मुनावर से हुई थी कैमरा में बात करते हुए, एंड भी मुनावर से हुआ। मुनावर ने कहा प्लीज बहुत कास्ट तो आपकी बहुत ज़बरदस्त है और इस कास्ट को मिस तो मैं ही करूँगा, अभी तो मैंने खेलना शुरू भी नहीं किया है, मेरा खेल तो अभी शुरू होगा। तो भाई रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब।